हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आपसे भी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी का 23 सितंबर सेकंड शिफ्ट का भी एग्जाम हो चुका है। बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे मिल गए हैं, वो सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। बस आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। अगर आप अभी तक चैनल के साथ में नहीं जुड़े हैं तो नीचे रेड कलर का बटन दबा करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आपके पास हर एक शिफ्ट का एनालिसिस पहुंचता रहे और जितनी भी मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की वीडियो अपलोड कर रहा हूं वो भी आप तक पहुंच सके। और देखिए दोस्तों, मैं अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पे पढ़ा रहा हूं, यहां पे मैंने बहुत सारी मैथ की वीडियो अपलोड की है। अगर आपको वो वीडियोस देखनी है, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे सौरभ मलिक सर्च करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और उनसे भी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो ये पर्यावरण रक्षा से संबंधित है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। नेक्स्ट आपका आसाम के गवर्नर, देखिए इतनी बार पूछा जा चुका है, अब तो सभी बच्चों को रट भी गया होगा ये, जगदीश मुखी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। शिवाजी का जन्म कब हुआ था? 19 फरवरी 1630 में, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था। हरियाणा का राज्य पुष्प क्या है? ये देखिए लोटस है कोई सा, सीक्रेट लोटस कुछ ऐसा नाम है उसका, मैं आपको बाद में लिख करके पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम में, ठीक है। टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। पृथ्वी का जी की सबसे ज्यादा वैल्यू क्या होती है? तो 9.8 मीटर सेकंड स्क्वायर आपकी होती है। शरीर में यूरिया कहाँ पर बनता है? ये मैंने आपको पहले भी बताया, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? तो पिट्यूटरी ग्लैंड को आप मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। वेवलेंथ की एसआई यूनिट यहाँ पे पूछी गई थी, देखिए एसआई यूनिट से भी आपके लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मीटर होता है, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 2018 का शिखर सम्मेलन कहाँ पर होगा? अर्जेंटीना में होगा, ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? एटॉमिक नंबर्स पर, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट रिपीट हो सकता है क्वेश्चन। इनर्ट गैस का तो रिपीट हो लिया आपका, इनर्ट गैस किस ग्रुप में रखी जाती है? 18 में, ठीक है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनोल, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है, वीवो के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो आमिर खान, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। शरीर की सबसे कठोर हड्डी आप सभी को पता होगा, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, हर एक का कमेंट आना चाहिए, ठीक है। पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो 27 सितंबर को मनाया जाता है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। विनेश फोगाट ने गोल्ड मेडल जीता था, तो एक बच्चे ने बताया कि ये कहाँ से बिलोंग करती है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो हरियाणा से। एक ने बताया कि देखिए अलग अलग रीजन में, मतलब यही क्वेश्चन का पूछने का तरीका देखिए कि एक ही क्वेश्चन को घुमा घुमा के दो तीन रीजन में अलग अलग तरीके से पूछ रखा था। एक में पूछा था कि कहाँ पे इसने जीता है, इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल, ये एशिया गेम 2018 में, और ये हरियाणा से बिलोंग करती है, रेसलिंग में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है। यहाँ पे था एक टाइफाइड बुखार में, बुखार से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो डाइजेस्टिव सिस्टम प्रभावित होता है, ठीक है। पावर ऑफ ऐसा यूनिट दूसरे आपका रीजन में पूछा गया था, तो वोट होती है, सभी को पता है, ठीक है। एक था आपका स्विट्जरलैंड की कैपिटल बेरून होती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, हिमा दास ने कौन से इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? तो हिमा दास ने देखिए जो 400 मीटर की रिले थी उसमें गोल्ड मेडल जीता है, एक 400 मीटर की जो रिले थी उसमें सिल्वर मेडल जीता है, ठीक है, और एक 400 मीटर की में भी सिल्वर मेडल जीता है, मैंने आपको पहले भी बताया था ये, ठीक है भाई। तो ऐसा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, और इस मतलब हेमा दास से अभी आगे भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो एक बार जरूर देख लीजिएगा। ऊपर फेंकी गई चीज नीचे क्यों आती है? तो सभी को पता है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, ठीक है। रोबिन सिंह किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, ठीक है। साइंस के महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से हैं? ग्रीस से है, ठीक है, ग्रीस कंट्री से है, तो इसको ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन ये एग्जैक्ट मुझे समझ में नहीं आया, उस बच्चे ने आंसर भी बताया, कौन सी ऊंचाई उन स्थल उपग्रहों की है? तो 36,000 उसने कुछ ऐसा आंसर बताया था, ठीक है। यहाँ पे है एक आपका, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? ऑर्गन गैस भरी होती है, फिर जिसको नाइट्रोजन भी बोलते हैं, ठीक है। फ्रिज में कौन सा एलिमेंट यूज होता है? तो हाइड्रो फ्लोरोकार्बन, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है भाई, हाइड्रो फ्लोरोकार्बन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका, इंसुलिन की खोज किसने की थी? फ्रेडरिक बेंटिंग ने, राइट आंसर हो जाएगा। पीरियोडिक टेबल से आपके चार क्वेश्चन थे, ठीक है। बिग बैंग थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन था, एग्जैक्ट में क्वेश्चन नहीं पता है, ठीक है, तो जो भी होगा मतलब मैं आपको बाद में बता दूंगा थर्ड शिफ्ट में, ठीक है। नेक्स्ट आपका, NPCI का CEO कौन है? तो ये आपका दिलीप जी है, ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए दोस्तों, मैं आपको हर एक शिफ्ट में बता ही रहा हूँ, अगर आपने ऑनलाइन टेस्ट अभी तक परचेज नहीं किया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने परचेज कर लिया है और वो इसको लगाना स्टार्ट भी कर दिया है, ठीक है। और जो एग्जाम दे के आ रहे हैं तो उनका कहना ये है कि बहुत हेल्प मिली है मतलब हमें इस ऑनलाइन टेस्ट से, और बहुत सारे क्वेश्चंस भी मिले हैं, तो बहुत अच्छी बात है। जितना मैं आपको रीजनिंग और मैथ पढ़ाया है
तो उसमें से तो बहुत सारे क्वेश्चंस मिल ही रहे हैं। आपका जो ऑनलाइन टेस्ट है, और ये सबसे खास बात यह है कि इसमें 30 टेस्ट 120 रुपये में मिल रहे हैं, इससे सस्ता तो हो ही नहीं सकता कुछ भी, ठीक है। इससे ज़्यादा तो आप एक दिन में कहीं पर भी खर्च कर देते हैं, और अपनी जो जॉब है, मतलब अपनी जॉब के लिए जिसमें आपने इतनी मेहनत कर रखी है, अगर आप उसकी प्रैक्टिस करके नहीं जाएंगे तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको 5-6 नंबर तो कम से कम घट ही जाएंगे। तो अपनी मतलब जॉब को देखते हुए, अगर आपके पास 4-5 दिन है, अभी जिसका कल एग्जाम है उसको नहीं बोल रहा हूँ मैं, कम से कम अगर कि 3 भी दिन है तो तब भी मत लेना, क्योंकि कुछ फायदा नहीं होगा। 30 टेस्ट है तो आप उसमें से मुश्किल से 10-15 लगा सकते हो, जो पूरा दिन रात भी लगाएंगे, ठीक है। तो अगर आपके पास 4-5 दिन है अभी एग्जाम में, तो आप ले लीजिए इसको, और इसमें कोड भरना पड़ेगा आपको डिस्काउंट लेने के लिए, 20% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी कि 120 रुपये में आपको मिल जाएगी। तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहाँ से खरीद सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स बहुत से बच्चे कमेंट करके पूछते हैं, तो छोटा सा जो त्रिभुज बना हुआ है उसको, उस पर क्लिक करेंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल के आ जाता है, ठीक है। तो रीजनिंग की अगर बात करें तो रीजनिंग के चैप्टर चेंज नहीं हुए, जो आपके फर्स्ट शिफ्ट में थे वही आपके सेकंड शिफ्ट में है। स्टेटमेंट कंक्लूजन हो गया, एनालॉजी हो गया, और आपका इसलोगिज्म हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, वुड वन आउट हो गया, क्लोक हो गया, कैलेंडर हो गया, सीरीज हो गया, मिरर इमेज हो गया, काउंटिंग फिगर हो गया, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस में मिल गए हैं, वो देख लेते हैं। और देखिए दोस्तों, थोड़ी सी मेरी जो तबीयत है मतलब एकदम ओके नहीं है, तो थोड़ा सा आप भी कोऑपरेट करिए, वीडियो भी थोड़ी लेट आ रही है, और मैं बोलने में भी थोड़ा सा मतलब मुझे भी लग रहा है कि वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है, जो मतलब मैं पहले 2-3 दिन तक वीडियो बनाई है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा कोऑपरेट करिए, 1-2 दिन में मैं ठीक हो जाऊंगा तो अच्छे से वीडियो फिर से बना लूंगा, ठीक है। यहाँ पे काउंटिंग फिगर से क्वेश्चन था कि आपको नंबर ऑफ त्रिभुज बताने थे इसमें, तो इसमें आपके 3 लाइनें थी, एक बच्चे ने बताया कि 3 लाइनें एक बड़े त्रिभुज में 3 लाइनें थी, तो उसमें बताना था नंबर ऑफ त्रिभुज आपके कितने हैं। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल है, 1, 2, 3, 4 जितने भी लाइनें खींच दी जाए इसमें, एक एक और खींच दी जाए तो उसमें आपको काउंट करना है 1, 2, 3, 4, ठीक है, और उनको प्लस कर लेना है, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें कितने हो जाएंगे, 10 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मिरर इमेज आपकी पूछी गई थी GI की, तो देखिए बहुत ही सिंपल है, GI यानी कि मतलब आपका ये I हो गया, यहाँ पे I को बिल्कुल वहीं रख देंगे और G को बस आपको घुमा के लिखना था, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा, ठीक है। और देखिए बिल्कुल सिंपल है यार, एक चीज़ तो आपको बहुत सारे ऑप्शन तो आप वैसे ही हटा सकते हैं, बहुत से ऑप्शन मैं बता दूंगा कैसे कैसे यहाँ पे दे रखे होंगे। एक तो बिल्कुल यही दिया होगा, ठीक है, जैसा लिखा बिल्कुल वैसा का वैसे ही। एक आपको ऐसा दिया होगा, ठीक है, एक आपको सही तो दिया होगा मतलब, बट आई बाद में दिया होगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है, मतलब जी यार बनी नहीं रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से तो आपको सीधा सीधा नजर आ जाएगा कि जो मिरर के पास में चीज़ है ना, उसको मिरर के पास में ही आपको रखना है, जो दूर है दूर ही रखना है, ठीक है। एक क्वेश्चन था आपका कुछ इस तरीके से कि कुछ बढ़ाई सुनार होते हैं और कुछ सुनार नाई होते हैं, तो इसको आप कैसे बनाएंगे, कुछ बढ़ाई सुनार होते हैं और कुछ सुनार नाई होते हैं, इस तरीके से आपका बन जाएगा कुछ वाली कंडीशन वाला। फिर यहाँ पे बोला गया था कि कुछ नाई बढ़ाई होते हैं, तो कुछ बढ़ाई नाई के बीच में कोई रिलेशन नहीं बताया गया तो आप हटा देंगे। फिर नेक्स्ट बोला गया कोई बढ़ाई नाई नहीं है, तो यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया ये वाली कंडीशन, ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होती है। क्यों होती है, क्योंकि इसमें एक बार बोल दिया कुछ नाई बढ़ाई होते हैं, कुछ नाई बढ़ाई होते हैं, रिलेशन इनके बीच में बताया नहीं, बट एक बार बोल दिया कि कुछ बढ़ाई नाई होते हैं और एक बार बोल दिया कुछ बढ़ाई नाई नहीं होते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला आंसर होगा इसका, या तो फर्स्ट और या तो सेकंड, ठीक है। इस तरीके से आपको थर्ड फोर्थ ऑप्शन दिया होगा, वो आपको राइट लगाना है। इसमें आपको ये नहीं करना है कि ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, ये गलत हो जाएगा। उसमें एक तो ये ऑप्शन होगा कि फर्स्ट राइट, दूसरा होगा कि सेकंड वाला राइट, तीसरा होगा कि फर्स्ट और सेकंड दोनों राइट, एक होगा या तो फर्स्ट राइट और या सेकंड राइट, तो आपको वो वाला लगाना है, क्योंकि इसमें दोनों के बीच में रिलेशन बताया नहीं गया है और दोनों के बीच का जो ऑप्शन दिए गए हैं दोनों के बीच के ही दिए गए हैं। एक बार बता दिया कि कुछ नई बढ़ाई हो सकती हैं और एक बार बता दिया कुछ नई बढ़ाई नहीं हो सकते हैं, तो राइट आंसर आपका ये वाला होगा, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। एक तरीके एक थी आपके सीरीज कुछ इस तरीके से 9, 27, 31, 155, 161 इस तरीके से आपका लिखा था, ठीक है। तो आपको क्या करना था, यहाँ पे देखिए एक बार मल्टीप्लाई हो रही है, एक बार प्लस हो रहा है, तो 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, 3 आपका 27 होगा, 27 में 4 की प्लस करेंगे यानी कि 3 से नेक्स्ट 4 आएगा, 4 को प्लस करेंगे 31 और 31 में फिर आप 5 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए 3, 4, 5 चल रहा है, बट एक बार मल्टीप्लाई होता है एक बार प्लस होता है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 155 में आप 6 के प्लस करेंगे तो 161 में आप 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1127, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन था आपको कि जेड को अगर 26 लिखा जाता है, नेट को आपको 39 लिखा जाता है, तो नट को क्या लिखा जाएगा, तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल है, जेड आपका 26 नंबर पे आता है तो इसलिए इसको 26 पे लिखा जाता है, ठीक है। यहाँ पे एन आपका 14 पे आता है, ई आपका 5 पे आता है, टी आपका 20 पे आता है, तो इन सभी को प्लस करेंगे 39 हो जाएगा, तो इसलिए इसको आपका 39 पे लिखा गया है। फिर इसको
एन को आपका 14 पे आता है तो एन 14 लिखेंगे, यू आपका 21 पे आता है, 21 लिखेंगे, टी आपका 20 पे आता है, इन सभी को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 55, ये 55 इसका राइट आंसर हो जाना था। ये क्वेश्चन आपका कल, मतलब ये नहीं, इसी तरीके का एक क्वेश्चन कल आपका थर्ड शिफ्ट में भी आया था, ठीक है। तो ये लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और ये क्वेश्चन था एक, इसका मुझे पूरा क्वेश्चन मतलब बहुत देर तक बात करने के बाद में भी ये क्वेश्चन एग्जैक्ट पता नहीं चला है, बट मैं इसका थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। यहाँ पे बोला गया था कि ए जो है वो राइट साइड से 19वें नंबर पे है, मतलब यहाँ पे संख्या कुछ और होगी, ये 19 तो मैंने अपनी तरफ से लिखा है, बट एक क्वेश्चन था ऐसा, तो इसको भी देख के जाइएगा। और यहाँ पे बोला गया था कि बी जो है वो लेफ्ट साइड से 10वें नंबर पे, अगर ये अपना स्थान बदल ले तो इससे आगे का क्वेश्चन मुझे नहीं पता है, क्योंकि जितना बताया गया था मैंने आपको बता दिया। तो इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको थर्ड शिफ्ट में करा दूंगा, या फिर अपनी बुक खोल करके एक दो बार देख लीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। मैथ की अगर बात की जाए, टाइम एंड वर्क से आपके 2 से 3, 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पाइप एंड सिस्टम से क्वेश्चन आ रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन आ रहे हैं, एचसीएफ एलसीएम मैंने बिल्कुल अच्छे से आपको करा रखा है। अब देखिए प्रोबेबिलिटी से भी क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, पहले नहीं आ रहे थे बट अब देखने को मिल रहे हैं, पाई चार्ट से भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, मेंसुरेशन, बोर्ड मास परसेंटेज, इन सभी से आपको क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारे बच्चे मतलब एग्जाम दे के आते हैं और क्वेश्चन नहीं बताते हैं, ठीक है। तो यार ऐसा मत किया करें, क्योंकि अगर आप हमारे टेलीग्राम से या कहीं पे भी जुड़े हैं, इंस्टाग्राम पे जहाँ पे भी, तो आप मुझे क्वेश्चन सेंड कर दिया करें, ठीक है। तो थोड़ा सा दूसरों का भला करेंगे तो अपना खुद ही हो जाएगा, इतनी कोई वो नहीं है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ऐसा बताया गया था प्रोबेबिलिटी का, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है, यदि ताशों की गड्डी से 2 ताश खींचे जाते हैं तो उसकी प्रायिकता, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी कि उनमें से एक बादशाह और दूसरा बेगम होगा। तो बादशाह और बेगम के 4-4 पत्ते होते हैं, ठीक है, 52 ताश के पत्तों की एक गड्डी होती है, उसमें 4 पत्ते उसमें से बादशाह के होते हैं और 4 बेगम के भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, 4C1 करेंगे और 4C1 करेंगे, इसको खोलेंगे तो आपका 4 और 4 ही रहेगा, तो इसका मतलब मैं डायरेक्ट इसको 4×4 लिख सकता हूँ, ठीक है। फिर 52 और इसमें से 2 पत्ते निकाले जा रहे हैं, यानी कि पूरी गड्डी में से आपका, ठीक है, टोटल प्रायिकता कितनी होगी, 52C2, यानी कि 2 पत्ते निकाले जा रहे हैं टोटल में से, तो आप 12C2 लिखेंगे और इसको खोलेंगे तो क्या होगा, 4×4 तो हमने लिख लिया, 52×51 करेंगे और 2×1 कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इतना करने के बाद में बस इसको सोल्व कर लीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए तो 2 तो नीचे से आपका ऊपर ही चल जाएगा, 2×1 = 2 ही रहेगा, फिर ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर 4×4×2 और नीचे 52×51, ठीक है, 4 से इसको कट करेंगे 13 टाइम जाएगा, और ऊपर कितना बचेगा 8 और नीचे कितना बचेगा 663, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके का क्वेश्चन था, बाकी मैं आपको अगर कमेंट करके बोलोगे तो शाम के टाइम प्रोबेबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस करा दूंगा, जो आपके एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। यार पता नहीं क्या हो रहा है, मैं एग्जैक्ट पूरी चीज़ें बोल क्यों नहीं पा रहा हूँ, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है। बहुत सारी वीडियोस मैं दिन में बना रहा हूँ, तो शायद इसके लिए इसलिए हो सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए एक क्वेश्चन था बिल्कुल इसी टाइप का, तो इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान है, आप कर भी लेंगे इसको। वैसे यहाँ पे दे रखा है 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी 165 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। तो जब भी किसी लंबी चीज़ को पार करके जाती है ट्रेन, तो दोनों को प्लस कर लेते हैं, इतना आपको पता है। तो यहाँ पे इनकी लंबाई दे रखी है, ट्रेन की यहाँ पे दे रखी है 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी, और जो प्लेटफॉर्म है उसकी कितनी दे रखी है यहाँ पे 165, ठीक है। तो दोनों को प्लस करेंगे और रेलगाड़ी की जो चाल है वो कितनी, 66 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप ध्यान रखिएगा, जो यहाँ पे दे रखा है आपको ये मीटर में दे रखा है, और जो चाल दे रखी है वो किलोमीटर में दे रखी है, तो इसको किलोमीटर से मीटर में बदलने की सबसे पहले तो 66×5/18 करेंगे, तो यहाँ पे इसको काट पीट के कितना आएगा, 55/3, इसको देख लीजिएगा करके, ठीक है। तो ये आपकी जो चाल आ गई है मीटर पर सेकंड में आ गई, तो यहाँ पे आपको पता है मीटर में इन दोनों को प्लस कर लेंगे, 110 और 165 को दोनों को प्लस किया, 55/3 से आपने डिवाइड कर दिया, ठीक है। टाइम ही निकालना था, बिल्कुल यही क्वेश्चन था, और ऊपर इसकी पूछा के इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों को प्लस करेंगे 275 हो जाएगा, ठीक है, 275×3 और अपॉन में करेंगे 55, तो 55 से ये जाएगा 5 टाइम, और 5 से 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 सेकंड, तो ये हो जाएगा 15 सेकंड में पार हो जाएगी, ठीक है, यानी कि जो रेलगाड़ी है वो प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार कर जाएगी, यही आपका क्वेश्चन था, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डिजिट चेंज हो सकती है एग्जाम में, बिल्कुल मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये डिजिट होगी। देखिए यार इतनी मुश्किल से ऑनलाइन टेस्ट हो रहा है और बहुत सारे क्वेश्चंस मुश्किल से निकलते हैं, और आप इसको एक सेकंड लगती है कि ये वाला क्वेश्चन नहीं आया था, ये वाला क्वेश्चन नहीं आया था, इस टाइप का क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। तो ये मत बोला करें यार तुम, ठीक है। एक क्वेश्चन था आपका, किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 150 रुपये है, ठीक है। 7 वर्ष और 10 वर्ष के जो साधारण ब्याज का अंतर है वो
कितना है 150 है। आप मुझे ये बताइए साधारण वर्ष के बारे में आप जानते हैं भाई, जो इंटरेस्ट आपका फर्स्ट ईयर में लग गया वो सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ लगता चला जाएगा, फिक्स होता है, कोई चेंज नहीं होता है। चेंज किस में होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का आपका क्वेश्चन नहीं था, SI का था। तो यहाँ पे देख रहे हैं 7 वर्ष और 10 वर्ष का अंतर कितना है भाई, 3 वर्ष का, और इनके बीच का जो अंतर बताया है ब्याज का वो 150 का। तो यानी कि ये 3 वर्ष का 150 रुपये है, तो 1 वर्ष का कितना होगा? या तो आप ऐसे निकाल लीजिए, फिर सीधा सीधा निकाल लीजिए 3 वर्ष का ही, P/R/T/100 करके, भाई आपको ऐसा ही पता चल गया ना, 3 साल का ऐसा ही 150 है, ठीक है। और आपको निकालना क्या है, धन ज्ञात कीजिए, यानी कि मूल अमाउंट आपको, मूलधन आपको निकालना है, प्रिंसिपल अमाउंट। तो SI आपका कितना है 150 रख दीजिए, P आपको निकालना है वैसे रख दीजिए, R कितना है भाई 5% दे रखा है, और जो ईयर है वो जो ये 150 है कितने साल का, 3 साल का, तो यहाँ पे 3। आप देखिए ऐसे भी कर सकते हैं इसको, 150 को 3 से डिवाइड करके जो इंटरेस्ट आएगा यहाँ पे, फिर 1 लिख लेंगे और यहाँ पे वो लिख लेंगे, तो आप वैसे भी कर सकते हैं। बट ज़्यादा चीज़ें नहीं सोचना, तो आपको नहीं सोचना, ठीक है, आप डायरेक्ट P/R/T/100 करके भी सोल्व कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे इसको, 5 से जाएगा 20 टाइम, तो कितना हो जाएगा, इधर 3P बचेगा, उनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3000 और 3P, तो P आपका कितना आ जाएगा 1000, 3 से डिवाइड कर देंगे 3000 को, तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट जो मूलधन है वो 1000 आ जाएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका प्रिंसिपल SI का बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आया था इसी टाइप का, तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और देखिए दोस्तों, नल टंकी से जितने भी आपके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो अभी पूछे जा रहे हैं बारी बारी वाले के, बारी बारी वाले वर्क करने वाले, तो इसको ध्यान से देख लीजिए। और ये क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको ध्यान से देख लेंगे, अब मैं इसको कम से कम भी 2-3 मिनट में समझाने वाला हूँ, क्योंकि धीरे धीरे अच्छे से समझ में आ गया। तो आप ये समझिए, पाइप टंकी और जो आपका टाइम एंड वर्क है दोनों को ही कर लेंगे, ठीक है, धीरे धीरे करेंगे, ठीक है। एक टंकी में 2 नल AB लगते हैं, दो टंकी में, एक टंकी में, ठीक है। ए टंकी को 45 मिनट में पूरा भर देता है, ठीक है, और बी भरी टंकी को 1 घंटे में खाली कर देता है, यानी कि वो 60 मिनट में खाली कर देता है, ठीक है। यदि दोनों नलों में से प्रत्येक को बारी बारी खोला जाए, अब देखिएगा यहाँ पे बारी बारी वाला काम हो गया। अब सबसे पहले यहीं पे क्वेश्चन को रोक देते हैं और यहाँ तक कर लेते हैं। दोनों का एलसीएम लेंगे, 180 आ गया, 180 को अगर मैं 45 से भाग कर दूँ तो एक मिनट का वर्क आ जाएगा। तो 1 मिनट में कितना करेगा, ये 1 मिनट में करेगा भाई 4 यूनिट पानी, मतलब भरेगा, ठीक है। ए पाइप जो है वो 1 मिनट में 4 यूनिट पानी भरेगा, 180 को 60 से भाग करेंगे तो बी 1 मिनट में 3 यूनिट पानी निकाल देगा, ठीक है। तो 1 मिनट में कितना पानी भरेगा, 1 मिनट में 1 यूनिट ही पानी भर पाएगा, क्योंकि 4 यूनिट पानी भरा जाएगा और 3 यूनिट पानी निकाल दिया जाएगा, तो इसका मतलब 1 मिनट में केवल 1 यूनिट ही पानी भरा जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, ये क्वेश्चन शायद मैं आपको पहले करा चुका हूँ ना, ठीक है, कोई बात नहीं है, इसको दोबारा से समझ लीजिए, को बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला गया बारी बारी वर्क करते हैं, बारी बारी वर्क का मतलब होता है यानी कि पहले ए करेगा फिर बी करेगा, फिर ए करेगा फिर बी करेगा। ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन में ये नहीं बताया गया है कि कौन वर्क स्टार्ट करेगा, तो तब तो आपको करना है शुरू से, मतलब AB। अगर आपको ये बोल दिया गया क्वेश्चन में कि पहले बी करेगा और फिर ए करेगा, तो वैसे ही करना है जैसे क्वेश्चन में बोला जाएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है, प्रत्येक को बारी बारी एक साथ 1 घंटे के लिए खोले जाए तथा ए से आरंभ करें। देखिए यहाँ पे बोल देगा ए से आरंभ करें, तो खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, तो यहाँ पे ए पहले चलेगा फिर बी चलेगा फिर ए चलेगा फिर बी चलेगा। आपको पता है कि यहाँ पे ए भरने वाला पाइप है और बी खाली करने वाला पाइप है, तो ये दोनों के दोनों, 1 मिनट ये चला 1 मिनट ये चला, तो दोनों के दोनों 2 मिनट में कितना काम करेंगे, 1 यूनिट पानी। अब जो ये काम 1 मिनट में कर सकते थे ना, अभी 2 मिनट में करेंगे, क्योंकि 1 मिनट ये चलेगा फिर 1 मिनट ये चलेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 मिनट में 1 यूनिट पानी भरा जाता है। तो आपको एक काम करना है, ये 180 आपको इससे कम रखना है, ठीक है ना, एक ऐसा पाड़ा पढ़िए 1 का कि मतलब 1 का क्या पाड़ा पढ़ोगे आप, 179 ही हो जाएगा। तो इसमें से 179 मैंने माइनस कर दिया, क्योंकि इससे कम रहना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए और इस जितना भी नहीं होना चाहिए, तो आपने 179 इसमें से माइनस कर दिया, एक रिमेनिंग बच गया, इसको अभी छोड़ते हैं। 179 की 2 से मल्टीप्लाई करिए, क्योंकि ये जो 1 यूनिट वर्क था ना, ये 2 मिनट का वर्क था, 1 मिनट का वर्क नहीं था, तो इसमें 2 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 358, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 358 को आपको 60 से भाग करना है, ठीक है, 60 से भाग करेंगे, क्योंकि इसे घंटे में बदलना है, ठीक है। तो ये मिनट है आपकी, इतने मिनट में वर्क करेगा, तो इसको घंटे में बदल लेंगे, तो यहाँ पे आ गया कितना, 5 घंटे 58 मिनट, ठीक है। तो आप मुझे ये बताइए, ये तो हो गया आपका पूरा काम अभी तक का, ये 179, 1 यूनिट अभी बचा हुआ है ना, तो 1 मिनट को आप क्या करेंगे, कौन करने आएगा जिसने स्टार्ट किया था, 1 मिनट को वही काम करने आएगा जिसने वर्क स्टार्ट किया था, वर्क ए ने स्टार्ट किया था, तो 1 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका,
1/4, इसको 1/4 को हम सेकंड में बदल लेंगे, तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेकंड में बदला जाएगा, ठीक है। इसको मल्टी कट करेंगे तो 15 टाइम, तो 15 सेकंड ये हो जाएगा। तो यहाँ पे पूरा टाइम कितना लगा, 5 घंटे 58 मिनट 15 सेकंड में ये टंकी भर जाएगी। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो इस टाइप का और भी क्वेश्चन करा देंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। वैसे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हार्ड क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन तो नहीं आने वाला है। और इस टाइप का क्वेश्चन मतलब इससे नीचे नीचे आएगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। अगर आपने ये समझ लिया तो इससे नीचे नीचे के क्वेश्चन आप सारे कर लेंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं टॉपिक स्टडी टेलीग्राम चैनल से, ठीक है। आपको क्या करना है, टेलीग्राम डाउनलोड करना है। अगर आपके पास नहीं है, अगर आपके पास है तो बस डायरेक्ट आपको सर्च करना है टॉपिक स्टडी, वहाँ पे आपको मैं डेली पीडीएफ अपलोड कर रहा हूँ। फर्स्ट शिफ्ट की कर दी थी, अब सेकंड शिफ्ट की वीडियो अपलोड होती है वहाँ पे मैं कर दूंगा, तो वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और भी अपने दोस्तों को शेयर कर दिया करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, सपोर्ट किया करें, ठीक है। वहाँ से पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक टेस्ट सीरीज नहीं खरीदी है तो खरीद सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को देखने, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।